चलती लोकल ट्रेन में 20 वर्षीय युवती से यौन शोषण, लेडीज डिब्बे में चढ़कर आरोपी ने की जबरदस्ती। सीएसएमटी से मस्जिद बंदर स्टेशन के बीच युवती से 40 वर्षीय आरोपी ने किया रेप, बिहार के आरोपी को पुलिस ने 8 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, दहल उठी मुंबई। पेपर जॉय के असर से मुंबई के समुद्र में हलचल तेज, उठी रही ऊंची लहरें, भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात मुंबई में पिपरजॉय तूफान का संकट गंभीर, ऑरेंज के बाद अब रेड अलर्ट जारी, गुजरात महाराष्ट्र में बारिश शुरू। नवी मुंबई में वड़ा पाव का ठेला लगाने वाले दंपत्ति को गुंडों ने पीटा, हफ्ता ना देने पर की गुंडागर्दी, घटना सीसीटीवी में कैद। मेरी और फडणवीस की दोस्ती जय वीरू की जोड़ी, कितना भी कोशिश कर लो फिर भी फेविकॉल का जोर टूटेगा नहीं, मुख्यमंत्री शिंदे का बयान। विज्ञापन से विवाद होगा, इतनी कमजोर सरकार नहीं, हमारी सरकार मजबूत, शिवसेना के विज्ञापन पर फडणवीस ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। महाविकास अघाड़ी के समय सरकार घर पर थी, लेकिन हमारे समय लोगों के द्वार पर, फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर किया जोरदार हमला। उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी में आने का दरवाजा हमेशा खुला, भाजपा नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया खुला ऑफर। गुजरात के तट से टकराया पिपरजॉय, कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं से गिरे पेड़। पिपरजॉय तूफान ने मचाया तांडव, पेट्रोल पंप का छपड़ा उड़ा, लैंडफॉल के बाद दिखी डरावनी मंजर। मुंबई से टला पिपरजॉय तूफान का खतरा, हाजी अली और समुद्र किनारे दिखी लोगों की भारी भीड़। एशिया कप की तारीखों का ऐलान, 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेले जाएंगे मैच। एयरलाइन गोफर्स ने 19 जून तक रद्द की सभी उड़ानें, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपनी उड़ानों को रद्द करना पड़ा। शिंदे के कैबिनेट विस्तार में रामदास अठले की पार्टी को भी चाहिए मंत्री पद, साथ मिलकर चुनाव लड़ने के दिए संकेत। बुरके में थी आयशा, हिजाब उठाए तो निकला जावेद, डॉक्टर बन 20 दिन तक सरकारी अस्पताल में किया मरीजों का इलाज, नागपुर से सामने आया अजीबोगरीब मामला। मुंबई में बढ़े टमाटर के दाम, 60 रुपए किलो तक पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस नाम ही काफी है, 50 कहा और 105 कहा, कोल्हापुर में बैनर लगाकर भाजपा ने शिवसेना पर किया हमला। भिवंडी शहर के एक निजी अस्पताल में 4 साल की बच्ची का गलत इलाज के कारण मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। नई मुंबई के सेंट लॉरेंस हाई स्कूल में धार्मिक नारे लगाने पर स्कूल ने 6 स्टूडेंट्स को निकाला, फिर एमएनएस के प्रदर्शन के बाद वापस लिया फैसला। अगर आज चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी शिंदे सरकार, एक चुनावी सर्वे में खुलासा। चंद्रपुर में रेलवे प्रशासन की लापरवाही से गई एक युवक की जान, फुटओवर ब्रिज मरम्मत के लिए बंद होने के कारण रेलवे ट्रैक पार कर ट्रेन के नीचे से प्लेटफॉर्म पर जाने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से हुई घटना। ठाकरे गुट को बड़ा झटका, भांडुप की पूर्व पार्षद सुवर्णा कारंजे शिंदे गुट में शामिल। मुंबई में सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, सोना 59,670 रुपए तोला, वही चांदी 73,100 रुपए किलो। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर में चोरी, मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया।